तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित युवक घटना के बाद से फरार है। युवक पर नकदी चुराने का भी आरोप है। राजस्व पुलिस का कहना है कि जिला चिकित्सालय में पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व उप निरीक्षक मोहम्मद नासिर ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि गुरुवार साय करीब 6:30 बजे वह अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर आंगन में आग सेक रहे थे। उनकी नाबालिग दिव्यांग बेटी घर के अंदर कमरे में थी। कमरे में जाने के लिए घर के पीछे से भी दरवाजा था। आरोप लगाया है कि सूरज कुमार निवासी द चड़ालू ने पीछे के दरवाजे से घर में घुसकर नाबालिग दिव्यांग बेटी से दुष्कर्म किया। जब वह कमरे के अंदर गए तो बेटी ने घटना की जानकारी दी।